नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएम न्यूज पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां 25 बार भूकंप आने के बाद भी ये देश आज खूब तरक्की कर रहा है और इस देश को इस्लामिक देशों में सबसे ऊपर भी रखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्की की, जहाँ आपका स्वागत हाथ चूम कर किया जाता है। टर्की दो कॉन्टिनेंट से बटा हुआ है, एशिया और यूरोप में। इसका ज्यादा पार्ट एशिया में है तो वही कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। यहाँ के बॉर्डर्स ग्रीस, इराक, बुल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और सीरिया के साथ लगती है। देश में यूज होने वाली करेंसी को टर्किश लीरा कहा जाता है। इस देश की पॉपुलेशन करीब 8 करोड़ के पास है। यहाँ 25 लोग गाँव में रहते हैं तो वही 75% लोग शहर में रहते हैं। इस देश में कुल 300 के करीब बीचेस हैं, इसीलिए यहाँ लोग बहुत विजिट करते हैं। टर्की की एक और ऐसी चीज है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस शहर में एक ऐसा ब्रिज है जो दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक लेकर जाता है। इसीलिए टर्की को एशिया के ब्रिज से भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ कभी भी ट्रेवल करने जाएं तो याद रखें कि इस देश में मोल भाव बहुत होता है। इंडिया की एक चीज टर्की से बहुत मिलती है, वो है मनपसंद चाय। इस देश में आपको चाय के दीवाने आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ लोग एक दिन में 10 से 12 कप चाय पी जाते हैं। और इस देश में अजूबे की बात यह है कि यहाँ पर नॉनवेज की ग्रेवी से ज्यादा स्वीट नॉनवेज से बनाया जाता है। क्यों, चौक गए ना? और यहाँ पर स्वीट डिश को ये लोग टर्किश डिलाइट या लोकम बोलते हैं। टर्की खाने के मामले में तो शौकीन है ही, पर यहाँ पर लोग पीने में भी पीछे नहीं है। इस देश में बियर का मार्केट 18वें सबसे बड़े मार्केट में गिना जाता है। यहाँ पर तो वाइन पीना एक कल्चर में गिना जाता है। यहाँ पर व्हाइट वाइन बहुत पॉपुलर है। अगर आप इस देश में घूमने जाते हैं तो व्हाइट वाइन टेस्ट करना ना भूलें। यूरोप का बहुत कम हिस्सा टर्की में आता है, तब भी सबसे ज्यादा यूरोप के पंछी टर्की में पाए जाते हैं। आपको टर्की में बहुत अलग अलग पंछी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के सर्वे के हिसाब से टर्की में अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज करते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, इसीलिए फेसबुक के सर्वे के हिसाब से टर्की नंबर 3 पर आता है जिसके सबसे ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स हैं। टर्की का सबसे बड़ा और मशहूर शहर इस्तांबुल है। इस शहर का 3% यूरोप में है तो वही 97% एशिया में है। यहाँ दो एयरपोर्ट्स हैं और तीसरे का काम चल रहा है। दो एयरपोर्ट्स का सबसे बड़ा कारण है कि एक फ्लाइट यूरोप के लिए जाती है तो वही दूसरी एशिया के लिए। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना बाजार माना जाता है। अब सबसे बड़ी बाजार होने की वजह से यहाँ पर कुल 4,000 दुकानें हैं। क्यों, रह गए ना हैरान? यहाँ पर एक साथ 10 लाख लोग शॉपिंग कर सकते हैं, तो अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो इस मार्केट में जरूर जाएं। यूरोप में कॉफी पीने का जो ट्रेंड है वो भी इस्तांबुल से ही शुरू हुआ था। एक अनोखी बात टर्की की ये भी है कि आप यहाँ पे रेड कैप लगाकर नहीं रख सकते और ना ही बाहर घूम सकते हैं, इसीलिए आप टर्की जाएं तो लाल टोपी लगाने की गलती ना। टर्की में बच्चों के पैदा होने के बाद उन्हें नमक में लपेटा जाता है ताकि उन्हें बुरी नजर ना लगे। टर्की एक ऐसा देश है जहां रूल का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां की अथॉरिटीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसीलिए अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं या मीडिया फील्ड के हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए हमारे चैनल डीएम न्यूज को आज ही सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।